फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिखाएंगे कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, टाइप करना है COWIN. और यहाँ पर आपको ऐसा लिंक दिखेगा, तो फर्स्ट वाले लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा रजिस्टर एंड साइन इन का, और नीचे दिखेगा बुक योर स्लॉट और डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो नंबर आपके ऑन है वही नंबर टाइप करें। टेन डिजिट का नंबर यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैंने अपना नंबर टाइप किया यहाँ पे। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक OTP मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये देखिए, आपको कोविन का एक OTP आया है। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये करने से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, जहाँ पर आपको दिखेगा आपका नाम और बगल में आपको दिखेगा आपको कब दूसरा डोज पड़ेगा, वो उसका काउंटिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम और आधार नंबर का 4 डिजिट दिखेगा, और यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट लोड कर सकते हैं। और इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला है, कोविशील्ड, जो कि नाम लिखा हुआ है कोविशील्ड का। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करते ही आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड में आप अपना यहाँ पे नाम भी, मतलब कुछ नाम चेंज कर सकते हैं, या तो फिर सर्टिफिकेट ही रहने दें। मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, मैंने लिख दिया कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और डाउनलोड। डाउनलोड होते ही आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो सेकेंड डोज का भी वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर करना है, पिन कोड डालना है, तबको आपको यहाँ से दिखेगा कि आपको नेक्स्ट डोज कब पड़ने वाला है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एज 18+। उसके बाद नीचे आपको स्लॉट दिखेगा, जो कि नेक्स्ट पड़ने वाला है 28 सितंबर को, 29, 30, किस तरह का आपको स्लॉट दिखेगा कि आपको किस किस डेट को पढ़ने वाला है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं आपके किस टाइम पढ़ने वाला है, आप ये चेक कर लो। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि और ऐड करना है मेंबर को, तो वो भी नंबर भी ऐड हो सकता है। क्या करना है, ऐड नंबर पे क्लिक करना है। यहां पर अपना फोटो ID प्रूफ डालना है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक। तो यहाँ पर क्या डाला मैंने, आधार कार्ड डाला। आधार कार्ड डालने से आपका आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, जो कि 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट आधार नंबर डालने से डालते ही, और जो भी आधार कार्ड पे नाम होगा वही नंबर नाम यहाँ पे दर्ज करें। और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, आप अपना नाम टाइप करें। यहाँ मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर का सिर्फ यहाँ पर दर्ज करें, जैसे 1997, 1995, 2001, 4 डिजिट का होना चाहिए। और यहाँ पर जेंडर चेंज सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर 8 पर क्लिक करना है। 8 पर क्लिक करते ही आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उसके उस नंबर पर ये शेयर हो जाएगा, लिंक वहाँ पर चला जाएगा। तो लिंक चाहते ही आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।